हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। राज बायोस्कोप विचित्रा में मैं आपको फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम यहाँ एक बहुत ही दुखियारी लड़की के बारे में जानेंगे कि उनका क्यों मैरिज के बाद सेपरेशन हो गया, यानी कि डाइवर्स हो गया। दोस्तों, पहले हथेली को देखिए। ये एक मानसिक हैंड है, यानी कि साइकिक हैंड है। दोस्तों, ऐसे लड़कियां भावनाओं के सैलाब में बहुत ही आसानी से बह जाते हैं और प्यार में धोखा खा जाते हैं। दोस्तों, इनके हथेली देखने में तो बहुत ही खूबसूरत होते हैं, लेकिन इनके जिगर में जख्मों का जमावड़ा रहता है। हाँ, तो देखिए दोस्तों, पहले उनकी हृदय रेखा यानी कि हार्ट लाइन, वो तो बहुत ही ना के बराबर है और बहुत ही अस्वस्थ और फीका है। तो दोस्तों, ऐसे लड़कियां बिना सोचे समझे किसी के चापलूसी बातों में आ जाते हैं और बहुत ही अनहोनी कर बैठते हैं। ये अपने जीवन साथी चुनने में बहुत बड़ा गलती कर बैठते हैं। एक हेडलाइन अपने सही स्थान पर है, लेकिन दूसरे हेडलाइन यानी कि मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा के साथ साथ चलती है और नीचे की तरफ बहुत झुकाव में है, यानी कि उनकी इंक्लाइनेशन नीचे की ओर है। तो दोस्तों, ऐसे लड़की मानसिक तौर पर बहुत ही तनावग्रस्त रहते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं ये जो लड़की के बारे में बात कर रहा हूँ, वो दूसरे हेडलाइन यानी कि मस्तिष्क रेखा जो कि सही सलामत अपने जगह पर है, उसके लिए वो संभल गई और सिचुएशन को यानी कि परिस्थितियों को काफ़ी हद तक संभाल ली है और इंडिपेंडेंटली एक जॉब भी कर रही है। यहाँ पर देखिए दोस्तों कि दो धब्बे नज़र आ रहे हैं। एक तो माउंट ऑफ वेनस यानी कि शुक्र पर्वत पर है और दूसरा चंद्र पर्वत पर है। तो दोस्तों, ये निशानियाँ लव मैरिज के लिए बहुत अच्छे नहीं है, और जिसके हथेलियों में ऐसे निशानी पाए जाते हैं वो लव मैरिज से बचना चाहिए। और दोस्तों, एक बात यहाँ पर गौर से देखिए कि उनका जो इंडेक्स फिंगर है वो कैसे अनामिका फिंगर के बराबर साइज का है। ये भी लव मैरिज की ओर इशारा करता है। तो दोस्तों, इनका लाइफ में और एक शादी के जोग भी बनता है और ये अपनी दूसरी शादी में सुखी और एक खुशहाल वैवाहिक जीवन का आनंद लेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मेरे ये चैनल के साथ बने रहिए और ऐसे ही रोचक जानकारी आगे भी पाने के लिए इसको एक सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो दोस्तों, आज